भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में इस वायरस की चपेट में लोग आ रहे हैं और संख्या बढ़ती ही जा रही है। हाल ही के दिन में करीना कपूर खान, अमृता अरोड़ा, महीप कपूर, शनाया कपूर और मृणाल ठाकुर जैसे कई सेलेब्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। ताज़ा अपडेट के मुताबिक टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी निर्माता निर्देशक एकता कपूर भी कोरोना की चपेट में आ गई है। कथित तौर पर एकता कपूर इस समय अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों को भी टेस्ट कराने के लिए कह रही है। एकता कपूर सभी प्रोटोकॉल का भी पालन कर रही है। एकता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर सभी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, सभी सावधानियां बरतने के बावजूद मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैं ठीक हूँ और मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना टेस्ट कराएं। जैसे ही उन्होंने पोस्ट शेयर किया, फैंस और सेलिब्रिटीज ने उनके जल्द ही ठीक होने की दुआ की। एक यूजर ने लिखा, हे भगवान अपना ख्याल रखे और मजबूत रहे। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिल की इमोजी शेयर की। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। इस समय अभिनेता और उनकी पत्नी भी क्वारंटीन में है। इसके अलावा टीवी एक्टर नकुल मेहता, उनकी पत्नी जानकी और बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। वर्क फ्रेंड की बात करें तो एकता कपूर के लोकप्रिय सीरियल नागिन के छठे सीजन का टीजर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा उनकी अगली प्रोडक्शन हाउस फिल्म गुड बाय है, जिसमें अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में होंगे।